सो फाइनली मैंने देख लिया दिमाग का घोसला करने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर स्टेयरिंग। देखो इसमें नाम बहुत हार्ड हार्ड है, ऐसा लगता है किसी बीमारी का नाम है, लेकिन काम इनके सारे अच्छे, बट मेरे को नाम लेने के चक्कर में मेरा खुद का इंग्लिश फिसल जाएगा इसलिए नाम नहीं ले पाऊंगा। बट इस फिल्म के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए नहीं क्योंकि ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, इसलिए क्योंकि साला सब लोग गांड में घुस गए थे कि भाई साहब किड्स वॉचिंग बारबी, लेजेंड वॉचिंग ओपनहाइमर एंड ऑल, ये वो। मैंने बोला यार चलो देख ही लेते, बट टू बी ऑनेस्ट एक यही एकलौता बंदा है क्रिस्टोफर नोलन जिसकी फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि बंदा इस बार क्या नया कयामत मचाएगा। तो भाई इसकी फिल्म जमती, इसलिए अगर कोई ना भी बोले ना तो भी मैं जाके देख ही लिया होता था। सो एनीवेज अब ओपनहाइमर रात को 12:05 का पहला शो मेरे इधर लगा था, वो भी इंग्लिश में। तो मैंने बोला यार कि ये तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, इसका साले का हिंदी डब में भी ढंग का समझ में नहीं आता फिल्म, तो साले इंग्लिश में जाके देख के मेरे कान तोतले नहीं कराने। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इंग्लिश ओरिजिनल वर्जन में नहीं देखी फिल्म, मैंने देखी है बहुत सारे। अभी लेटेस्ट ही मैंने देखी थी फास्ट एक्स, मिशन इम्पॉसिबल, निक्स इंडियन एंड ऑल। अब ओपनहाइमर ये फिल्म एक बायोपिक है जो कि साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर पे बेस्ड है, जिन्होंने एटम बम बनाया था। ये फिल्म को देखे तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये फिल्म शायद से हर किसी के लिए तो नहीं है, अगर आप उसकी फिल्मों से वाकिफ हुए तो आप वैसा पेशेंस बना के आओगे थिएटर में और इतना ध्यान से आप देखोगे उस फिल्म को। लेकिन अगर आप रील देख के आए हो इस फिल्म को देखने के लिए तो फिर आप थिएटर के अंदर करोगे बादल बरसा बिजली। देखो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों को लेके मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूं। देखो ये ना बहुत ही हरामी बंदा है, ये मतलब आपके टिकट के पैसे की कदर ना आपसे ज्यादा इसको है, इसलिए ये ऐसी फिल्म बनाते हैं ना जहां पर आप एक मिनट भी थिएटर छोड़ के बाहर नहीं जाओगे, इनफैक्ट हगने भी आए ना तो भी नहीं जाओगे। और अगर बाय चांस आपने 2 मिनट के लिए भी इसकी फिल्म छोड़ के चले गए ना तो भाई साहब फिर यही फिल्म आपको 4 कंधा दे देगा, क्योंकि उसके आगे आपको फिल्म में कुछ समझेगा ही नहीं। अब देखो जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मैं ये नोटिस किया कि भाई साहब अगर ये बायोपिक भी है ना तो भी कितना क्लेवर स्क्रीन प्ले था भाई साहब, आपका दिमाग चकरा जाएगा फर्स्ट हाफ में तो ज्यादा ही कि यार ये क्या ही लेवल की डिस्कशन चल रही है और इतना ही स्विंग कैसे हो रहा है सीन यहाँ पे। मैंने खुद नोटिस किया, लोगों ने लोग ऐसा लिटरली चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब हुआ क्या, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सामने वाला देख रहा है तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मजा तो आ रहा है। कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि यार इसमें एंगेजमेंट रखने के लिए एक्शन मसाला टाइप डाला रहता जो जिनकी हमें आदत भी है तो शायद हमें और मजा आता था, बट भाई साहब ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, फरहाद नोलन समझी कि नहीं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ओपनहाइमर के कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ देखने मिलेगी विद हैवी डायलॉग ड्रामा, एंड यही चीज सेकेंड हाफ में इतना एक्सट्रीम हो जाता है। अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो भाई साहब मेरे लिए तो पर्सनली सच में परमाणु बम फूटा, मजा आ गया, स्पेशली क्लाइमेक्स। मैं तो ये सोच के दंग हो गया कि नोलन भाई साहब ने 0 CGI यूज किया है, मतलब पूरी फिल्म रियल थी। तो यार आप जब वो एटम बम वाला जो टेस्ट होता है वो देखोगे ना, उसका ग्लिम्स, वो एक्सप्लोजन सच में आपको शॉक कर देगा कि ये पॉसिबल ही कैसे है। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि इस बंदे ने अपने लास्ट फिल्म में रियल प्लेन फोड़ दिया था और यहां पर बम फोड़ दे रहा है, तो भाई साहब इसकी फिल्म प्लीज देखने जाया करो, क्योंकि अगर बाय चांस इसकी फिल्म फ्लॉप हुई ना तो ये सच में बम बना के थिएटर फोड़ देगा एंड फिर बोलेगा कि साला ना तुमने मेरी फिल्म देखने है तो तुम किसी का नहीं देखने जाओ, उसकी माँ की आग। भाई अगर मेरे साथ क्रिस्टोफर नोलन रहता ना तो मैं तो उसको बांध के रख देता था, क्योंकि अगर उसको कहीं दिखाई भी पड़ता था ना कि ये कंट्री में फ्लड आए तो भाई साहब उसको रियल दिखाने के चक्कर में ये वापस से कंट्री डुबा दिया होता था। बट मैं जब वो एटम बम टेस्ट देख रहा था सेकेंड हाफ में एंड वो सारे सीन्स जब मैं देख रहा था तो मुझे बॉलीवुड की वो जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु की याद आ गई। यार दोनों की वाइब एकदम सेम ही लगती है आपको। अब आप लोग बोलेंगे साले तू नोलन की फिल्म के साथ कंपैरिजन कर रहा है, अबे गधों मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, इसकी आड़ में आपको एक अच्छी इंडियन फिल्म बता रहा हूं जो कि वो भी ट्रू बेस्ड स्टोरी फिल्म थी, जाकर वो भी देखना आप याद करोगे, इतनी गूज़बम्प मोमेंट है वो फिल्म में। एनीवेज अब फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ये सारी चीजें ज्यादा सुनाई देगी लाइक भगवत गीता, कम्युनिस्ट, लेफ्ट विंग वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं तो सोच के डर गया था कि कहीं ये फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन के जगह प्रतीक बोराडे ने तो नहीं डायरेक्ट की है। बट मैंने फिल्म के अंदर एक सेकंड हाफ में मूवमेंट देखा था, एक छोटा सा स्पॉइलर दूंगा, वो से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, टेंशन मत लेना। जब वो गवर्नमेंट उनकी हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फोड़ती है, फिर ओपनहाइमर के मन में वो आता है कि यार ये अंदर से गलत हो गया, तो उसके वो चेहरे पे ना दर्द और गिल्ट दिखता था, लेकिन उसने कहीं पे भी ना बोल के वो एक्सप्रेस नहीं किया। अब डायरेक्टर साहब ने वही एक्सप्रेशन निकाला साउंड इफेक्ट के जरिए BGM में यूज करके, मतलब जब जब वो साउंड इफेक्ट आता था उसके चेहरे पे वो दर्द दिख जाता था, वो आप समझ गए कि ये बंदा गिल्ट में, लेकिन उसने अपने जुबान से नहीं बोली। तो वो ब्रिलियंस लेवल देख के मैं ना मान गया कि यार क्या ही लेवल पे दिखा है। इनफैक्ट वहां पर सिनेमेटोग्राफी आप देखते थे यार, पर्दा उधर वाइब्रेट हो रहा है तो नीचे चेयर भी वाइब्रेट हो रहे थे,
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट शॉट। तो बीजीएम तो इसका क्लास ही था, बट परफॉर्मेंस का तो कोई जवाब ही नहीं। स्पेशली मेकअप क्या लेवल का किया था, जिस हिसाब से टाइम आगे बढ़ता रहता है मेकअप में, वो फर्क आप देखोगे ना, आप बोल दोगे कि यार फील ही नहीं करा रहा, ऐसा लग रहा है कि ये पुराना युग दिखा दिए। दैट वॉज ब्रिलियंट। सो ओवरऑल नोलन की फिल्म साबित करती है कि भाई साहब वो बंदा कंटाल गए बार बार साबित करते हुए, क्योंकि कोई उसके लीग में आसपास भी नहीं आ पा रहा है। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसका एक्सपीरियंस तो आईमैक्स में ही लेना चाहिए। नहीं भाई, मैं पीवीआर में देखा, नॉर्मल थिएटर में तो मेरे को तो भाई इतना कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार आईमैक्स मैं आपको रिकमेंड करूँ। यार वहाँ पर 1000-2000 की टिकट लोगे, उससे अच्छा काजू बादाम खा लो। अगर काजू बादाम नहीं खा पा रहे हो तो भाई छोटा काजू बादाम का पैकेट खाओ ओल्ड मॉन्ग के साथ, लेकिन मजा ले लो। लेकिन नॉर्मल थिएटर में भी आपको मजा आ जाएगा। सो मैं दूंगा 4 star out of 5। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं भी वहां के फिल्मों की रिव्यू लाऊंगा ना। प्लीज कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।